हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेक्नो मोबाइल स्विच ऑन होकर स्विच ऑफ हो जा रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक होती है और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा होती है, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबाकर रखना है तो आपका फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। अगर इस तरह ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना है, तो देखिए फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक होती है और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम होती है, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबाकर रखना है तो आपका फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। तो अगर इस तरह भी सही नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है, तो देखिए फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक होती है और वॉल्यूम अप और डाउन बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम होती है, इन तीनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबाकर रखना है तो आपका फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। तो अगर इन तरीकों की मदद से आपका फ़ोन ठीक हो गया तो सबसे पहले आप चेक करना, अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया रहेगा तो अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। और आपको चेक करना है अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल रहेगा तो आप उसे खाली कर देना। ऐसा अगर आप करके रखते हैं तो आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन तरीकों की मदद से भी फ़ोन आपका ठीक नहीं हुआ तो आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान पर दिखा सकते हैं, वो आपको ठीक करके दे सकता है। तो इस तरह आप सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।